स्वागत है दोस्तों आरके इलेक्ट्रिकल्स चैनल पर आपको आज एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जानेंगे इसके बारे में। ये है एक एसीडीबी। एसीडीबी मतलब अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि एसी सप्लाई में काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये देखिए, इसमें एक एमीटर लगा हुआ है और ये एक वोल्ट मीटर है, जिसमें दोस्तों थ्री फेज का लाइन दिया हुआ है अंदर से, उसका हम अंदर से दिखाएंगे। ये विक्टर कंपनी का है, से दिया हुआ है। इसका देखिए मैनुअल हम देखते हैं। इसका देखिए, इस प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है एसीडीबी, जिसका कॉन्ट्रैक्टर था लेजर पावर, इसका ओनर है ऑप्टिशियल, मैनुफैक्चरर जो है एमएस विक्टर स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड, नासिक की कंपनी है। आइए देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसका काम क्या है। इसको दोस्तों देखने के लिए हमको नीचे से जाना पड़ेगा। ये देखिए, नीचे डेंजर लिखा हुआ है, तो डेंजर लिखा हुआ है मतलब यहीं से ही करंट का शुरुआत हो रहा होगा। इसका देखिए, इसका डोर ओपन कर दिए तो नीचे से हमारा इनकमिंग आया हुआ है। ये देखिए आर वाई बी और न्यूट्रल इनकमिंग आया हुआ है। चार ठो इनकमिंग आके यहाँ देखिए सीटी के अंदर होके सप्लाई हमारा आ गया एमसीसीबी तक। एमसीसीबी से हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, इससे एमसीसीबी क्रॉस करने के बाद ये 250 एम्पीयर का है एमसीसीबी। और यहाँ से हमारा जो बस बार है, बस बार तक आ गया सप्लाई। ये देखिए बस बार कितना लंबा दिया हुआ है नीचे से ऊपर तक। और ये बस बार से जो जो टर्मिनल निकला हुआ है, ये भी छोटा एमसीसीबी, और इस तरफ जो एमसीबी लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो दिया हुआ है। यहाँ पे नट बोल्ट के जरिए बस बार से टाइट होके गया हुआ है। ये देखिए, ये बस बार है, बस बार से ये चार ठो आर वाई बी और एन करके गया हुआ है फ्यूज में। 20 एम्पियर का फ्यूज है, और जो फ्यूज है ये एचपीएल कंपनी का है। और यहाँ से जो आउटपुट निकला फ्यूज से, ये देखिए हमारा एमीटर है ये, और ये देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर है। इसमें वो इसका सप्लाई आ गया, जो नीचे हम सीटी देख रहे हैं, सीटी का भी टर्मिनल यहाँ पे आया हुआ है। ये एमीटर है, तो उसका लोड वाला लोड कितना है क्या है वो इसी में ही दिखाएगा इस एमीटर में। और ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में इसका वोल्टेज दिखाएगा। ये सामने से देखते हैं दोस्तों, ये देखिए इसमें लोड बहुत ही कम है, 0.079 एम्पीयर है अभी लाइन वन में। और ये देखिए इसका वोल्टेज दिखा रहा है 229.7। और एल वन एल टू में कोई वोल्ट नहीं दिया हुआ है, ये बस L3 में ही सप्लाई दिया हुआ है, बाकी एक में सप्लाई नहीं है। और इसका लोड देखिए, ये भी वही सेम ही है, एक ही में लोड है। देखते हैं दोस्तों, इसमें साइड में दिया हुआ है ये जो डोर दिया हुआ है, इसमें जो नीचे से केबल आएगा उसी के लिए ही ये दिया हुआ है। ये देखिए हमारा केबल आया हुआ है नीचे से, ये सब केबल आया हुआ है। और ये सब यहाँ देखिए, ये एमसीबी में लगा हुआ है। एमसीबी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए 4 पोल का एमसीबी लगा हुआ है, सॉरी 3-4 और न्यूट्रल। ऊपर देखिए ये 16 एम्पीयर का है, C16 वो एचपीएल का लगा हुआ है। और ये देखिए इसमें भी 16 एम्पीयर का लगा हुआ है,
इसमें भी 16 का लगा हुआ है, बस एक ही एक आउटपुट निकला हुआ है आर और न्यूट्रल का। ये देखिए इसमें आपको पता चलेगा एक ही आउटपुट निकला हुआ है, रेड और न्यूट्रल से ब्लैक। इसमें भी बस वही, और बाकी दो में लोड दिया नहीं है यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा जो एक 7.5 का MVA का ट्रांसफार्मर है, उसी के लिए जो ब्रेकर लगा हुआ है वहाँ तक आउटपुट गया हुआ है यहीं से AC सप्लाई। और ये और एक 5 MVA का है, वहाँ तक गया हुआ है यहाँ से। और ये भी देखिए 16 एम्पीयर का है। और दोस्तों इस तरफ देखते हैं, इस तरफ भी वैसे ही केबल ट्रांजेक्टर दिया हुआ है ऊपर नीचे से ऊपर तक, पर इसमें केबल का कोई कनेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। जो होगा तो हम और दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, दिखा देंगे जब कनेक्शन हम करेंगे इसको। देखिए इसमें दोस्तों क्या है हम देखेंगे। इसमें भी वही MCCB है, ये ऊपर देखिए 63 एम्पीयर का MCB है, सॉरी 80 MCCB है। और इसमें कोई लोड अभी दिया हुआ नहीं है, ये भी 63 एम्पीयर का है। इसमें नीचे देखिए 32 एम्पीयर का MCCB लगा हुआ है इसमें, और इसमें भी देखिए 32 एम्पीयर का लगा हुआ है। नीचे देखते हैं इसमें भी 32 का लगा हुआ है, इस पर भी 32 एम्पीयर का लगा हुआ है, इस पर भी 32 का लगा हुआ है, सब 32 का लगा हुआ है, बस दो ही 63 का दिया है। दोस्तों ये इसका जो MCCB मेन MCCB है 250 एम्पीयर का है, यह भी HPL कंपनी का है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रखा हुआ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए।